स्वागत है आपका अपने चैनल पर और आज एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के गुड़गुड़ा में फरक नगर और यहाँ पे एक रहस्यमयी गोल बावड़ी। तो हम पहुंच चुके हैं और टाइम से पहले पहुंचने की वजह से ये बावड़ी बंद है और इसकी टाइमिंग 9 बजे है और हम टाइम से 1 घंटे पहले आ गए हैं। तो हम इसके बाहर खड़े हैं, 9 बजने वाले हैं। तो दिखाते हैं आपको ये बावड़ी और अगर कोई यहाँ पर विजिट करना चाहता हो तो 9 बजे से पहले मत आए। और जो मेरे चैनल पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। तो देखिए गाइस, ये हम आ गए हैं इसके अंदर और लेके चलते हैं आपको। ये पेड़िए गए हैं इसके अंदर से। तो ये देखिए गोल बावड़ी, ये देखिए ये बना हुआ इसका रास्ता, ये देखिए ये है वो गोल बावड़ी जो ये देखिए ये बना हुआ कुआ इस इष्टभुजा से दिखाई देती है, लेकिन ये ऊपर से सेटेलाइट से देखने पर ये पूरी तरह से गोल है। और ये देखिए ये बना हुआ पानी का कुआ और ये देखिए ये है वो बावड़ी, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये ऐसे तो ये अष्टभुजा दिखता है, लेकिन ये ऊपर से सेटेलाइट से देखने पर पूरी तरह से गोल है, जब इसे गोल बावड़ी कहा जाता है। और ये बना उसके अंदर रहस्यमय कुआ और ये इतिहास में पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तत्काल राजा फौजकार खान ने 1732 में फरुख नगर को बसाया। यहाँ पर केवल नमक बल्कि हथियार भी तैयार किए जाते थे। कस्बे के लोगों की सुरक्षा के लिए फौजदार खान ने चारों से किलाबंदी की थी। इसके 5 मुख्य द्वार थे जिन्हें दिल्ली दरवाजा, वसीपुर गेट, सूर्य खुर्जा गेट, झाकड़ी गेट, पातली गेट के नाम पे विशाल दरवाजों का निर्माण भी करवाया गया था। इन चारों दरवाजों के अंदर शीश महल और गोल बावड़ी और एक कचहरी, कई इमारतें का निर्माण करवाया गया था। और ये कई इमारतें तो अपना अस्तित्व भी खो चुकी हैं, बस ये गोल बावड़ी ही एक ऐसी है जो अभी तक अपना इतिहास सजोए है। तो ये देख रहे हो आप, पूरी तरह से गोल है, जब इसे गोल बावड़ी कहा जाता है। और ये बना उसके अंदर रहस्यमय कुआ और ये देखिए ये चारों तरफ से पूरी एक ही आकार में बनी हुई है। ये देखिए इसके दरवाजे, ये देखिए गोल बावड़ी और ये इसके स्तूप, देख सकते हैं आप कितने। और ये देखिए ऊपर से देखने पर, ये देखिए, और आपको दिखाएंगे वो कुआं भी नीचे चल के। ये देखिए ये गोल बावड़ी का नज़ारा, ये देख सकते हैं गोल बावड़ी के भीतर हैं, जिसे कहा जाता है कि रानी की मौत का कारण बनी ये बावड़ी। और ये देख सकते हैं और ऊपर जाने का रास्ता भी है यहीं से। तो लेके चलते हैं आपको ऊपर, इधर से चलते हैं, दोनों साइड से रास्ता दिए हुए हैं। और ये देखिए, ये देखिए हम आ रहे हैं ऊपर। गाइस कैसे लगते हैं देखिए, छत पे क्या सीटों का प्रयोग किया गया उस टाइम के। और ये देखिए ऊपर से देखने पर ये बावड़ी, ये देखिए गोल दिखाई देती है, ये देख सकते हैं। चारों तरफ से इसके रास्ते बने हुए हैं, 1 2, ये देखिए ये वो कुआ है, ये देखिए यहाँ से बने हुए ये पानी के, हवा आने के लिए बंदूकों को उतारने के सैनिक खड़े होते थे यहाँ पे। ये देखिए गोल बावड़ी, पेड़ियों से नीचे उतर के आते चारों तरफ से पेड़ियाँ बनी हैं। और ये वो है रस्मिक कुआ में हम जाने वाले हैं। तो ये देखिए नीचे तक इसकी पैड़ी बनी हुई है, ये देखिए। और ये देखिए ऊपर से देखने पर ये पूरी बावड़ी चारों तरफ गोल है, सेटेलाइट से भी देखेंगे तो आप।
आपको चारों तरफ से गोल दिखाई देगी। और ये है वो कुआ, ये देखिए, और इसको पूरी तरह से अब भर दिया गया है, लेकिन इसकी मिट्टी अभी भी तक गीली है, ये देख सकते हैं आप। बता दें कि शीश महल के अंदर से यहाँ तक एक सुरंग आती थी, जिससे रानी नीचे नीचे नहाने के लिए आती थी, और बावली उसे कहते हैं जो पानी की पुराने टाइम में पानी को कमी पड़ने की पूर्ति करने के लिए बनाई जाती है। और राजा की रानी शीश महल से चल के नीचे सुरंग ही सुरंग रास्ते से इसके अंदर नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आती थी, और ये बावड़ी उसी का मौत का कारण बना। उसके बाद ये बावड़ी को बिल्कुल बंद कर दिया। 1958 में इसे राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर उपाधि मिली है, और राष्ट्रीय धरोहर बन गई है अब, और इसी के मौत का, रानी की मौत का कारण किसी को पता नहीं चला है। देख सकते हो ये थी वो सुरंग जो शीश महल तक जाती थी, आगे ये रास्ता बंद कर दिया गया है। यहाँ पे भाई ने बताया, जैसे ये देखिए आगे दीवार चुनवा दी गई है, ये रास्ता बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। जाता था सीधा शीश महल को, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से रानी आती थी और जाती थी, उसी की वजह से पता ही नहीं चला उसकी मौत का क्या कारण था, तो यहाँ से रानी आती थी। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे सारे रास्ता बंद कर दिया गया है, दीवार चिन दी गई है, सुरंगें सारी बंद कर दी गई है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और घंटी का बटन तो तोड़ देना, तो वीडियो वायरल कर दो, तो आगे अच्छे अच्छे व्लॉग लाता हूँ।